हिरन भागते हुए। देखिए ये हिरन भाग रहे हैं, दो हिरन हैं जो साइड के साथ एक साथ से दूसरी जगह गुजर रहे हैं। फिर से देख सकते हैं ये हिरन रोड को पार करते हुए दूसरी जगह जा रहे हैं। ये यदि आप देख पाते हैं तो आपका डुमना नेचर पार्क आना सफल हो जाता है। दोस्तों आज हम आए हैं डुमना नेचर पार्क में। डुमना नेचर पार्क जो है वो 1058 हेक्टर वर्ग फीट में फैला हुआ है। इस 1058 हेक्टर में खंदारी जलाशय, डुमना नेचर पार्क और जंगली इलाका आता है। ये पूरी तरीके से एक रिजर्व इलाका है जिसमें ऐसे बीचों बीच एक खंदारी जलाशय है जहाँ से जबलपुर को जल आपूर्ति भी होती है, पीने का पानी भी मिलता है। तो जबलपुर के जबलपुर को तीन जगह से मिलता है पीने का पानी, खंदारी, परियट और बरगी डैम से। तो खंदारी है, इसके आसपास पूरा डुमना नेचर पार्क की एरिया घेर के रखा है। इसमें बीच में पार्क है, इसमें आप मचान देख सकते हैं। मचान से बहुत अच्छा व्यू आपको देखने को मिलता है और ये जो चारों तरफ पानी है ये बहुत शांत करने वाला होता है। आप जब इसके पास बैठते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। इस प्रकार से आप देखिए साइकिल ट्रैक भी बनाया हुआ है पिछले साल यहाँ पे, जो आप साइकिल चलाते हुए पूरा जो खंदारी जलाशय है उसके चारों ओर से आप निकलते हैं और एक अच्छा गाइड आपके साथ जाता है और आप बहुत अच्छे से साइकिल राइडिंग भी कर सकते हैं। इसका इतना एक अलग अनुभव है। यदि आप कुछ खान पीन के शौकीन हैं तो आपके लिए यहाँ पे एक कैफेटेरिया भी है जहाँ पे ज़रूरी खान पीन बच्चों के लिए टॉय ट्रेन है, बहुत अच्छी है। तो अभी यदि आप बच्चों के साथ जाते हैं तो बहुत मज़ा कर सकते हैं। ये पूरा राउंड लेती है, पिकनिक स्पॉट बहुत अच्छा है यहाँ पे। तो इसमें बच्चों के लिए बहुत अच्छे साधन झूले वगैरह मौजूद हैं कैफेटेरिया में और ये टॉय ट्रेन है। और मेन इसका जो आकर्षण है ये ओपन एरिया है। आप थोड़ा सा एक रोड बनाई गई है और ये रोड में लोग बैठ के देख सकते हैं। इस प्रकार से सेटिंग एरिया है, यहाँ से बैठ के आप झील का ये जो खंदारी लेक है इसका नज़ारा साफ तौर से देख सकते हैं। बटरफ्लाई कंजर्वेशन बनाया गया है, छोटा सा एरिया है जिसमें